और जितना ज्यादा आप साफ नहीं करेंगे उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। और मैं यही कहती हूँ कि ये बहुत बहुत सिंपल आंकड़े हैं, मगर इस देश में जहाँ हम कहते हैं कि हमने जीरो को इन्वेंट किया, हम जोड़ना भूल गए। और ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अगर आप ये सोच लीजिए कि आपका ठीक है, आपका वेस्ट है तो आप उसको साफ कर लेंगे क्योंकि आप उसके अंदर हार्डवेयर एसटीपी बना देंगे, तो दिल्ली के अंदर कोई 40% पूरी इंडिया के 40% का हार्डवेयर दिल्ली के अंदर है, मगर उसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो 70% अंडर यूटिलाइज होता है। और क्यों अंडर यूटिलाइज होता है? क्योंकि शहर के अंदर हम ये भूल गए कि शहर के अंदर आज नाले नहीं है। हमने शहरीकरण जरूर कर लिया मगर शहर के अंदर नाले नहीं बिछाए। तो जहां वेस्ट है वहां नाले नहीं है, और अगर नाले नहीं है तो आप नाले आप वेस्ट को सुएज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जा नहीं सकते। दिल्ली के अंदर अगर आप देखें आंकड़े तो हमारे इस देश इस शहर के अंदर कोई 5600 किलोमीटर ड्रेन है। अगर आप देख लीजिए दिग्विजय सिंह जी की ऑयल पाइपलाइन पूरी इंडिया की, उसके लगभग है हमारी ड्रेन दिल्ली की, मगर उसका जो स्टेट है वो किसी को नहीं पता क्योंकि वो नीचे है, किसी को पता नहीं है कि वो चलता है कि नहीं चलता। दूसरी चीज है कि हमारा देश गरीब देश है, हम वो भी भूल जाते हैं। 50% इस शहर का जो पूरी देश के सबसे अमीर शहर है, बस 50% लोग आज भी या तो स्लम में रहते हैं या अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं जहां पर कोई ड्रेनेज का सवाल ही नहीं है। तो अगर आप ये सोच लीजिए कि वही शहर का जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है वहीं से आपका कलेक्शन होगा, जहां अंडरग्राउंड ड्रेनेज है ही नहीं, जहां गरीब लेते हैं वहां से कोई कलेक्शन ही नहीं होगा। तो दोनों जब मिलते हैं, इलीगल जो ट्रीटेड सूरज होता है और इलीगल जो लीगल ट्रीटेड सूरज होता है और इलीगल अनट्रीटेड सूरज होता है, दोनों मिल जाते हैं, रिजल्ट शहर का वही होता है प्रदूषण। मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाती हूँ। दो एसटीपी है, एक ऊपर यमुना विहार में और एक नीचे कौंडली में। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है इसी से दिखाती हूँ आपको कि यमुना विहार में आपने साफ किया और मैं जब वहां गई थी एक इंस्पेक्शन के लिए तो वहां के लोग अच्छे लोग हैं और एसटीपी में बहुत मेहनत से साफ करते हैं। बहुत मन से मुझे दिखाया, देखिए मैडम हमने इतना प्रदूषित पानी आया और देखिए साफ करके इतना हमने साफ कर दिया, दो ग्लास भी सामने रखे, देखिए बहुत साफ हो गया। और मेरी एक ही चीज होती है देखने की कि आपका आउटलेट पॉइंट क्या होता है। इनलेट तो देख लिया, आउटलेट क्या होगा? आउटलेट जो पूरे साफ करने के बाद का है वो है ये नाला बाहर का, क्योंकि जो बाकी का जो इलाका है वहां पर अनऑथराइज कॉलोनी है, वहां पर कोई ड्रेनेज नहीं है, तो आपने लीगल जो सुएज है उसको तो लाके साफ किया, उसको साफ करने के बाद उस नाले में डाला। बाकी के जो इलाके के जो लोग हैं जो रहते हैं उनका समूल मलमूत्र उसी नाले में गया, तो उसका रिजल्ट तो यही हुआ। और ये अगर आप शहर एक एक शहर को देखें, एक एक ट्रीटमेंट के इलाके को देखें तो यही निकल के आता है, क्योंकि हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि हमारे शहर के अंदर ड्रेनेज ही नहीं है। हमारे शहर के अंदर आज भी ऐसे लोग रहते हैं, जो मैक्सिमम लोग रहते हैं वो गरीब लोग रहते हैं।